नमस्ते दोस्तों टी आर एस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप ये अगर पाँच महीनों के लिए उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट करी डिसिप्लिन के साथ तो उनके बाल बेसिकली उग जाते हैं फिर से यस आई थिंक उन पाँच पॉइंट्स के पहले हमें बालों के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए Uh, जैसे एक पेड़ होता है उसी तरह बाल का स्ट्रक्चर होता है और जो भी बोल्डिंग के वजह से होता है सो वेरी गुड क्वेश्चन वजह क्या है mm. की, right? uh, बिल्कुल सही कहा आपने uh, hair loss, hair का एक फॉलिकल होता है और एक हेयर होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन ट्रीटमेंट ले रहा है राइट सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या हर किसी को त्राया नाइन्टी थ्री परसेंट रिजल्ट दे सकता है ऑनेस्ट आंसर इज नो राइट इट डिपेंड्स ऑन टू मेजर फैक्टर्स जिससे लोग पता लगा सकते कि क्या उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए या ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए right? फर्क ये होता, होता है कि ट्रीटमेंट में बहुत सारे फर्क है uh, <laughs> आप कुछ खाकर कुछ लगा कर इंटरनल हेल्थ से बाल उगाए ट्रीटमेंट से यानी कि सेहत की वजह से आपके बाल फिर से उगने लगता राइट एंड ट्रांसप्लांट इज बेसिकली लाइक अ सर्जरी जहां आप जाके जहां आपके बाल है लेट से आपका बॉल्डनेस इधर है आप यहां से बाल निकाल के उसको यहां पे, आ, ग्राफ्ट करते हैं। मतलब जिन लोगों को बहुत एक्सट्रीम मेल पैटर्न बॉलनेस होता है उनको एंड में भी साइड पे उनके बाल उगते ही है तो साइड से फॉलिकल्स निकाल के ऊपर डाल देते हैं या साइड पे डाल देते हैं आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला स्टेज राइट सो बहुत सारे तरह के हेयर फॉल और हेयर लॉस के टाइप्स होते हैं uh, सबसे कॉमन टाइप इन मेन है सेवेंटी थ्री परसेंट मैन दैट हैव मेल पैटर्न हेयर लॉस विच इज जिनकी कंप्लेन होती है बोल्डिंग मतलब गंजापन हो रहा है बाल नहीं झड़ रहे राइट right? एंड गंजापन पैटर्न में होता है यहाँ से शुरू होता है पहले तो सब सही होता है बस यहाँ पे बाल पतले होते हैं हेयर थिनिंग दैट इज़ अ स्टेज वन ऑफ हेयर लॉस एंड स्टेज सेवन है, mm. है कि आप बिल्कुल चाचा चौधरी बन चुके हो mm. बस यहाँ बाल बचे हैं राइट right? सो so, अगर आप स्टेज वन टू फोर के बीच में हैं राइट right? तो अगर आपकी बॉल्डिंग या गंजापन है वहां बाल नहीं है लेकिन फॉलिकल्स अभी भी एक्टिव है तो जैसे आपने बोला पेड़ सूख के टूट गया बट रूट है अगर mm. आप फिर उसे धूप दो पानी दो ट्रीटमेंट दो तो रीग्रोथ पॉसिबल है और अगर आप स्टेज सिक्स एंड सेवन हो वेयर बहुत ज़्यादा बोल्डनेस हो चुकी है ऑल्सो आपकी एज फोर्टी के अबव है मतलब आपको बाल झड़ना कहीं कॉलेज में शुरू हुआ है और इतने सालों से आपका वो बॉल्डनेस पे आपने रिवर्स नहीं किया है तो वो फॉलिकल्स सील हो जाते हैं बंद हो जाते हैं उसके बाद दुनिया का कोई ट्रीटमेंट आप करा लीजिए पीआरपी करा लीजिए सीरम्स लगा दीजिए दवाइयाँ खा लीजिए वो रीग्रोथ पॉसिबल नहीं है उन लोगों को हम गाइड करते कि आप प्लीज़ डॉक्टर को मिलिए और शायद ट्रांसप्लांट ओनली ऑप्शन हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को यानी पूरे एपिसोड को उसके नीचे हमने लिंक किया है ऐसी प्लेलिस्ट को इसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा